मैं प्रकृति माता जी से अनुरोध करता हूँ कि शब्दों से स्वागत करें सभी अतिथियों का, उनकी सुपुत्री प्रख्यात नृत्यांगना निर्देशिका एवं विदुषी सुश्री रश्मि वाजपेयी जी, बीच वक्त देने के लिए पधारे प्रख्यात आलोचक एवं कला समीक्षक श्री ज्योतिष जोशी जी, सुश्री कीर्ति जैन जी एवं इस परिसंवाद के विभिन्न सत्रों के अध्यक्ष प्रतिभागीगण तथा उपस्थित साहित्य प्रेमियों, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित नेमी चंद्र जैन जन्म शतवार्षिकी परिसंवाद में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्य अकादमी सभी भाषाओं के महत्वपूर्ण रचनाकारों की जन्म शताब्दी बहुत आदर के साथ मनाती है। यह ऐसा अवसर होता है जब हम अपने प्रिय रचनाकार का पुण्य स्मरण करते हैं और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर पुनः विचार करते हैं। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी रचनाकार अपनी रचनाओं से ही बड़ी नहीं बनता है, उनसे साहित्य में कितने नए रचनाकारों को स्थान दिया, उन्हें प्रभावित किया और आगे बढ़ाया, इससे ही वह पहचान और याद किया जाता है। आदरणीय नेमी चंद्र जैन जी ऐसे ही रचनाकार थे जिन्होंने बहुत सारे नए रचनाकारों को एक नई दृष्टि दी और उन्हें संस्कारित किया। आदरणीय नेमी चंद्र जैन जी एक कवि, आलोचक, संपादक, नाट्य चिंतक और एक सांस्कृतिक विचारक के रूप में हिंदी साहित्य के साहित्य में प्रतिष्ठित रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आगरा में जन्मे नेमी चंद्र जैन का आरंभिक जीवन और बाद का सफर आगरा से होकर झांसी, सुजानपुर, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद और फिर दिल्ली तक विस्तृत रहा है। उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई थी जो सुजारू और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हर पल तैयार थे। हम उन्हें बहुआयामी प्रतिभा का गनी व्यक्तित्व कह सकते हैं। एक कवि के रूप में अपने कम कविताओं के बावजूद वे आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तार सप्तक के कवि होने के साथ साथ इसके प्रकाशन में भी उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा था। उनकी कविताओं का फलक बहुत विस्तृत है और उसकी अर्थवत्ता गंभीर है। ये कविता है आंतरिक गरिमा, सादगी और संयम के साथ हिंदी कविता को अनेक स्तरों पर समृद्ध करती है। एक कथा आलोचक के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा सिद्ध की। उन्होंने हिंदी में औपन्यासिक आलोचना की विधिवत शुरुआत की और उसको प्रतिष्ठित किया। अपने पुस्तक अधूरे साक्षात्कार के माध्यम से नेमी चंद्र जैन ने बड़े मनोयोग से हिंदी उपन्यासों की विवेचना करके आलोचना की ऐसे प्रतिमा निर्मित किए जो तब तक हिंदी आलोचना में नहीं थे। नेमी चंद्र जैन जी ने जो आलोचना लिखी उसके लिए एक नई अर्थ समृद्ध और मुखर पृष्ठ भाषा की उन्होंने खोज भी की। यह सतर्क भाषा उनसे पहले बिल्कुल अनुपस्थिति थी। इस बात को डॉक्टर नामवर सिंह जी ने भी रेखांकित किया। नाट्य चिंतन के क्षेत्रों में उनका कार्य अप्रतिम है। रंग आलोचना को उन्होंने एक गंभीर स्वरूप प्रदान किया। पिछले 100-125 वर्षों के हिंदी नाटकों को जिस समग्रता के साथ समझकर उन्होंने रंगकर्म की जो सैद्धांतिक विकसित की वह अतुलनीय है। नाट्य आलोचना को व्यवस्थित रूप देने के लिए उनके द्वारा संपादित पत्रिका नटरंग एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके माध्यम से उन्होंने न केवल हिंदी नाटक और रंगमंच के पार पारंपरिक संबंधों को अनिवार्य साबित किया, नाट्य समीक्षा को नए सिरे से परिभाषित किया, बल्कि समूचे भारतीय रंगमंच की आंतरिकता को पहचानने का प्रयास भी किया और उसे बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। एक बड़े लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की गई यह पत्रिका आज भी जारी है और इसके लिए मैं उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने उनके यह महत्वपूर्ण प्रयास को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है। नेमी चंद्र जैन एक उत्कृष्ट संपादक थे। इस बात के स्थायी महत्व को
प्रमाण भारतीय रंगमंच की बहुप्रसिद्ध पत्रिका नटरंग तो है ही, छह खंडों में प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली का संपादन भी है, यह उनके संपादकीय कौशल का एक स्मरणीय नमूना है। इसी तरह नया हिंदी लघु नाटक राकेश के संपूर्ण नाटक तथा आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच भी उनकी कुशल संपादन कला के उदाहरण है। ये हमें रंगमंच के गहरे आलोचनात्मक विमर्श में ले जाते हैं। वे उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। उनके अनुवादकों में नाटक, उपन्यास, समाजशास्त्र पुस्तकें तथा राजनीतिक पुस्तकें भी है। ये सभी अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हिंदी में और इसे बहुभाषविद नेमचंद्र जैन ने अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उर्दू आदि भाषाओं से संभव किया है। वे एक लेखक और आलोचक के साथ साथ एक बड़े संस्था निर्माता भी थे। इसके प्रमाण में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कला अनुशीलन केंद्र और नटरंग प्रतिष्ठान उल्लेखनीय है। नेमी चंद्र जैन की एक विशेषता ये भी थी कि वे अपने आप को कभी उद्घाटित नहीं करते थे। अपने कृतित्व के प्रति उदासीन भाव की नेमी जी की सबसे बड़ी ताकत और उनकी पहचान है। एक कवि, आलोचक, नाट्यालोचक, संपादक और सांस्कृतिक कर्मी के रूप में 86 वर्ष की सुदीर्घ जीवन यात्रा में नेमी चंद्र जैन ने अपनी महत्ता सिद्ध की। वे जिस क्षेत्र में भी रहे वहां उन्होंने पूरी निष्ठा और तन्मयता से काम किया और विभिन्न विधाओं के नए मानक भी बनाए। जीवन भर की उनकी यात्रा जिस पड़ाव पर पहुंची वह एक गहरे संतोष का विषय हो सकती है, क्योंकि नेमी चंद्र जैन ने उन सभी क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित किया जिन जिन में उन्होंने कार्य किया। कवि के रूप में उनकी प्रयोगशीलता, उपन्यास आलोचक के रूप में उनकी खोजी दृष्टि और नाट्य दर्शन के क्षेत्र में उनकी केंद्रीय उपस्थिति ने उन्हें ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया जो कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, बना रहेगा। साहित्य अकादमी ने अपनी प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रृंखला भारतीय साहित्य के निर्माता के अंतर्गत उन पर केंद्रित एक निबंध भी प्रकाशित किया है। उसके लेखक श्री ज्योतिष जोशी जी आज इस पर संवाद में बीज वक्त देने के लिए यहाँ उपस्थित है। नेमी जी की रचनावली के संपादक आदरणीय श्री नंद किशोर आचार्य जी भी तुर्भापूर्वक हमारे साथ है। आदरणीय नेमी चंद्र जैन जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और आज इसके परिसंवाद में उनके आमंत्रित विद्वान और लेखक उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ही। अतः मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए अपनी सक्रियता से पूरे नाट्य और साहित्य समाज को प्रेरणा देने वाले नेमचंद्र जैन जी की जन्म शतवर्षी के अवसर पर उनको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके जीवन के कई अनुच्छेद पहलुओं से भी परिचित हो सकेंगे। सभागार के बाहर नेमी जी के जीवन पर और उनके कार्यों पर एक सुंदर चित्र प्रदर्शन लगाई गई है, यह नटरंग प्रतिष्ठान के सौजन्य से है। मैं इसके लिए नटरंग प्रतिष्ठान के प्रति अपने आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबका स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने नेमी जी के रचित किए संक्षिप्त संस्कृत की। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आमंत्रित करूँगा आज के मुख्य अतिथि प्रख्यातम नाटककार और आलोचक डॉक्टर नंद किशोर आचार्य जी को। आपकी कविता, नाटक और आलोचना की 30 से 40 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके कुछ महत्वपूर्ण संग्रह हैं जल है जहाँ, शब्द भूले हुए, पूर्ण समुद्र था आदि। आपकी रचनाएं देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आप कई मंत्रालयों के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद तथा हिंदी परामर्श मंडल के सदस्य रहे हैं। आप रामकुटिया कॉलेज बीकानेर के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और सेवानिवृत्त हुए। आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ में अतिथि लेखक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। आप कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थानों से पुरस्कृत हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार,
और के बिड़ला फाउंडेशन का पुरस्कार आज मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय स्वराचार्य जी को देता हूं। भाई माधव कौशल जी, राष्ट्रपति जी, और आप सभी, मैं साहित्य अकेडमी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर नेमी जी के बारे में, उनके काम के बारे में कुछ बात कहने का अवसर मुझे दिया। दरअसल सबसे पहले तो मैं नेमी जी को अपनी निजी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि उपस्थिति में जो मैंने कहीं उपस्थिति में नहीं की वो ये कि मेरा नाटक, तुमको पता चला कि मैं नाटक लिख रहा हूँ, एक आध नाटक लिखे थे कि अवेलेबल हुए थे, बाहर नहीं हुए थे उस समय, तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि तुम जो भी नया नाटक अब लिख रहे हो मुझे भेजो। मेरा उससे पहले उनसे कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से वो ध्यान रखते थे कौन कहाँ क्या कर रहा है नया और कैसे उससे संपर्क किया जा सकता है। आप लोगों को बहुतों को बता दिया, कईयों को नहीं बता हूँ तो कह देता हूँ कि मैं अज्ञे के बहुत करीब रहा, जो घर में साल भर रहा, उनके साथ काम किया, अखबार में उनके साथ काम किया, पत्रिका में उनके साथ काम किया और बहुत से काम उनके साथ। और अक्सर लोग मानते हैं कि नहीं नेमी जी और अज्ञे जी में तो बहुत बुरा पैदा हो गया, हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, वही होगा होता है देखो में, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जिस कारण से मेरे प्रति कोई बुरा हो। ये बात भी मैं इसलिए रेखांकित करना चाहती हूँ, मेरे निजी अनुभव की बात नहीं है, इसलिए कैसे एक बड़ा लेखक या बड़ा बड़े मन का आदमी इन छोटी छोटी चीज़ों पर गौर नहीं करता है, वो चलती रहती है जीवन में छोटी चीज़ें भी, कि किस तरीके से वो एक पूरे माहौल को ध्यान रखते हैं, पूरे वातावरण को ध्यान रखते हैं, उसमें कौन लोग कुछ क्रिएटिव काम में लगे हैं, वो तो किसी पक्ष के हों वो तो उनके प्रति एक स्नेह का भाव बनाए रखता है और जितना उनकी काम में सहयोग दे सकता है या उनकी मदद कर सकता है वो करता है। तो वो नाटक तो मैंने भेजा ही उनको जो प्रकाशित हुआ नाटक में, और शायद पहली बार बीकानेर से बाहर मेरा कोई नाटक खेला है, उसके प्रकाशित होते ही करीब महीना भर के अंदर ही मेरे मित्र भानु भारती उसको करना चाहते थे, तो मुझे बड़ा तुमने उनको भेज दिया, वो छप गया, कोई भी कर लेगा, क्योंकि एक हमारे निर्देशकों में बड़ी समय शायद वो उसने कर दिया, मैं ये नहीं कर, तो पहले मुझे करना चाहिए था, बाद में किया भी उन्होंने, पर वो महीना भर भी नहीं हुआ था उसको छपे हुए कि मेरे पास चंडीगढ़ से वीरेंद्र गांधी रखते आपकी एक चिट्ठी आती है, अपनी नाटक करना चाहते हैं आप, तो मैं स्वीकृति दे दें। मैं जब तक स्वीकृति का पत्र उनको लिखता या सोचता कि क्या लिखूं, तब तक आ गया कि इस 15 तारीख को ही हो रहा है, आ जाए 10-15 दिन बाद ही मतलब। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि वो एक प्रकार से नटकंड में उसे पढ़ने में उनको थोड़ी भेजा, नटकंड में पढ़कर ही उनको लगा कि उनको ये करना चाहिए, उन्होंने किया और लिखा पुस्तक। फिर देवी जी ने मुझे अपनी दो नाट्य कार्यशालाओं में आमंत्रित किया, दो मेरे नाटक गुलाम बादशाह और हस्तिनापुर, ये दोनों उनके द्वारा आयोजित जो कार्यशालाएं थी, ये नहीं कि मुझे ये लिखना है, मतलब तुम जो भी इस समय इस विषयों से संबंधित अगर कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें आ जाओ, उसके बाद कष्ट बराबर देता रहा, तो मैं इसके लिए तो कृतज्ञ हूँ। पर साथ ही केवल निजी कृतज्ञता के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूँ, इसलिए भी कह रहा हूँ कि कैसे, और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लेखक हो, नाट्य लेखक खासतौर से बहुत से होंगे जिनके पहले नाटक या दूसरा नाटक उन्होंने अपनी तरफ से आमंत्रित करके प्रकाशित किया, ये नहीं कि वो भेजेंगे देखेंगे संपादक के रूप में, क्योंकि मैं एक बड़े संपादक की पहचान ये भी मानता हूँ कि जो उसके पास आता है वो तो उसमें से चयन करता ही है, करना ही चाहिए, लेकिन अगर उसे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और शायद काम का है, तो वो अपनी तरफ बहुत नहीं कच्चे थे हम लोग, क्या थे, आपको करीब 45 साल पहले की बात बता रहा, तो ये प्रकार से कोई जानता ही नहीं होगा हमको,
नाटक की दुनिया में, उस समय वो ये बात करते हैं। तो इसलिए मुझे ये कहते हुए बहुत मन, लेकर कभी उनके जीवन में कोई बात नहीं कही, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था मैं उनके सामने जाकर। आज ये अवसर मिला है तो आप सबके सामने जय। देखिए देवी जी का लेखन इतना विपुल है, ये अंदाजा मुझे भी नहीं था, ज्योतिष को जरूर रहा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब दस्तावेजी का काम हम लोग अभी मिलकर के कर रहे थे, ज्योतिष मेरे साथ उसमें मैं अकेला संपादक हूँ, उसके साथ तो हम लोग जब मिलकर कर रहे थे उस काम को, तो देखा कि इतना विपुल है, 8 खंड तो बन गए और उसमें कुछ चीजें हमने नहीं लिए, पत्र वगैरह हमको नहीं शामिल किए, अभी हमको अभी तलाश हो रही है, वो भी मिलेगी तो कहती। लेकिन और अंग्रेजी का अलग, इसलिए इतना विपुल लेखन है। और उस विपुल लेखन पर मैं मानता हूँ कि हिंदी साहित्य में बहुत कम उनकी जागरूक, उनकी एक नाट्यालोचक के रूप में उनकी उपस्थिति को सब महसूस करते रहे, उनके न होने पर भी आज भी करते हैं। जब भी कोई बात होती है नाट्यालोचक की, तो देवी जी के जिक्र के बिना वो बात पूरी हो ही नहीं सकती, बल्कि प्रथम जगह। पर इसके अलावा बहुत सारे मतलब साहित्य चिंतक के रूप में, उपन्यास के आलोचक के रूप में, कहानियों के आलोचक के रूप में, कविता के आलोचक के रूप में, और अन्य विषयों पर भी, संगीत पर, लोक साहित्य पर इत्यादि इत्यादि, इतना अधिक विपुल लेखक है। और वो जो कोई भी खंड मेरे ख्याल से 500-600 पेज से कम करते हो, जो खंड ही नहीं बनाए गए उनकी संख्या देखकर हम स्वयं चकित हैं कि कैसे ये काम किया जाए। तो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि लेकिन खाली विपुल होना ही लेखन का गुण नहीं, हमें देखना पड़ता है कि जो कुछ लिखा गया है उसमें न केवल अपने समय से वो कितना जुड़ा है, यानी उसकी जो समकालीन प्रासंगिकता है वो तो हम देखते ही हैं, पर साथ ही ये भी देखते हैं कि क्या उसमें कुछ स्थायी महत्वता भी है जो समकालीन प्रासंगिकता को अतिक्रमण करता हुआ, कुछ समेटता हुआ, कुछ आगे की बात भी करता हो, या कुछ चीजें ऐसी करता हो जो हमेशा के लिए। मैं ये मानता हूँ और नेमी जी स्वयं ये मानते थे समकालीनता के प्रसंग पर, कि समकालीन को लेखक को होना ही, लेखन को होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो केवल समकालीन रह जाता है और वो अपने समकालीन सत्य को एक शाश्वत स्तर पर नहीं ले जा पाता है तो वह अधूरा लेखन। तो इसलिए अगर इस तरह से हम देखें, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक नई किस्म का प्रतिमान किया जिसमें समकालीनता और शाश्वतता या सनातनता या स्थायित्व, तो जो भी आप कहें, इन दोनों के बीच में एक पुल बनाने की कोशिश की। पुल ही नहीं बल्कि उसकी सार्थकता समकालीन की तभी मानी जब वो इसी शाश्वत तक पहुंचता है। इसके लिए मैंने अगे की नदी के उपन्यास का नहीं, कविता का और एडिट की वेस्ट लैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि ये कृतियाँ जो है वो समकालीन एक मानसिकता की कृतियाँ हैं, लेकिन ये कृतियाँ एक व्यापक तक ग्रहण करके और एक शाश्वत स्तर तक पहुँचाएँ। हम लोगों को ही पता होगा कि नदी के दीप कविता के बारे में, नदी की कविता के बारे में ये टिप्पणी। मित्रों उनका जो समय है दरअसल आप देखेंगे कोई बहुत उथल पुथल प्रासंग, जब नेमी जी का शुरू होता है रचनात्मक जीवन तो वो समय बहुत ही उथल पुथल भरा समय है हमारे समाज में। एक तरफ राजनीतिक आज़ादी का संघर्ष चल रहा होता है, दूसरी तरफ उस आज़ादी के माने क्या होंगे, क्या केवल अंग्रेजों से मुक्त होना ही उसका मानी है, या कि एक नए समाज की रचना भी उसके माध्यम से हो सकती है या होनी चाहिए, उसके बिना उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। यह बड़ा उथल पुथल का समय था और समय चल भी रहा। स्वयं जब लाहौर कांग्रेस के अंदर स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए इसको केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं माना गया, उसके साथ इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें जोड़ी गई थी कि जब तक इस तरह का जीवन हमको नहीं मिलता है तब तक स्वतंत्रता वास्तविक नहीं, हमारी स्वतंत्रता का लक्ष्य ये है। ये स्वयं गांधी जी का बनाया हुआ ड्राफ्ट था, उसमें उन्होंने ये बात कही। तो उस समय बहुत सारे लोग उस सारी प्रक्रियाओं में से गुजर रहे थे, उन पर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, और क्योंकि नेमी जी का क्षेत्र मुख्यतः सांस्कृतिक क्षेत्र था और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, साहित्यिक क्षेत्र में भी, कलाओं के क्षेत्र में भी उस समय बहुत से परिवर्तन होने की संभावनाएं दिख रही थी, कुछ बीज दिखाई दे रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसा एहसास किया जा रहा था, यानी वो भी एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता थी। एक जो
जड़ता जो आ जाती है उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, इसकी कोशिश किसी भी सार्थक लेखक को करनी चाहिए। देवी जी मैं मानता हूँ कि उन लोगों में थे जो न केवल उस सबके गवाह थे, एक लंबे इस सारे परिवर्तन को दर्ज है उनकी रचनाओं में, वो न केवल उसके गवाह थे बल्कि उसमें एक बड़ी सक्रिय भूमिका भी निभा रहे थे। और वो सक्रिय भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी जिक्र किया राव साहब ने दारसप्तक, आप सब लोग जानते हैं ठीक है कि दारसप्तक के संपर्क रखिए थे, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, लेकिन उसको तैयार करने में, उसको उनको भी उसके लिए तैयार करने में, उसमें अज्ञे के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सातों कवियों में अगर किसी की थी तो वो नेमी जी। इस बात को लेकर के नेमी जी का था कि हमने तो कोई नया आंदोलन शुरू करने के लिए नहीं किया था, वो कहते हैं बार बार, लेकिन ये भी मानते हैं साथ में कि वो हिंदी कविता में नया और महत्वपूर्ण बोल था। तो इसलिए एक तरीके से चाहे उनका मंतव्य वो न रहा हो, लेकिन बाद में उसका जो प्रभाव पड़ा उसका मूल्यांकन करते हुए उन्होंने ये बात कही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसलिए इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी हमको नेमी जी के काम को समझने की जरूरत होती है कि जब इतने सारे परिवर्तन हो रहे थे, उनमें वो जो भूमिका निभा रहे थे उनमें क्या समस्याएं उनके सामने आ रही और क्या उनके बारे में वो सोच रहे थे, और वो सोचना आज हमारे कितने काम का है। देखिए मुझे उनका एक वाक्य जो साहित्य के बारे में उन्होंने कहा मुझे बड़ा वो अच्छा लगता है, और मैं बार बार कई बार उसको बैठी और मेरे मित्र प्रभात करता जी कई दफा उसको दोहराते हैं। उन्होंने एक पंक्ति का वाक्य देखिए, उन्होंने कहा कि साहित्य समाज की सबसे अधिक वैयक्तिक और व्यक्ति की सबसे अधिक सामाजिक क्रिया है। बात देखिए जितनी बहस है व्यक्ति और समाज को लेकर के साहित्य में या अन्यत्र कहीं भी, उस सारी बहस का एक निदान जैसे हमको इस सूत्र में दिखाई देता है जब वो कहते हैं कि साहित्य समाज की सबसे अधिक वैयक्तिक जितनी व्यक्ति करता है सबसे अधिक वैयक्तिक क्रिया है और व्यक्ति की सबसे अधिक सामाजिक क्रिया है। लेकिन सामाजिक क्रिया का मतलब क्या है? हम जब सामाजिक क्रिया मानते हैं, हम लेते हैं किसी साहित्य में किसी सामाजिक समस्या पर लिखा गया है इसलिए वो सामाजिक क्रिया है, किसी सामाजिक समस्या पर लिखा गया है इसलिए वो सामाजिक क्रिया है, पर नेमी जी उसे नहीं कह रहे, वो दूसरी बात कर, वो ये कह रहे हैं कि साहित्य में मूलतः एक व्यक्तित्व का, सजग व्यक्तित्व का आत्म प्रक्षेपण होता है, इस बात को मानते हैं। लेकिन क्योंकि वो आत्म प्रक्षेपण होता है तो किसी पर होता है, क्योंकि साहित्य केवल आत्माभिव्यक्ति ही नहीं है, वो संप्रेषण भी है, मतलब वो संप्रेषण है तो एक दूसरा पक्ष उसमें है। अज्ञेय ने भी कहीं कहा है कि आत्माभिव्यक्ति तो ठीक है पर किस पर अभिव्यक्ति, किसी पर तो अभिव्यक्ति होती है ना, तो जो ये दूसरा पक्ष है उस दूसरे अभिव्यक्ति में